पी अपन बी हो गया, पी अपन बी क्या होता है, टेनथ होता है। तो इसका मतलब अपना स्लोप क्या हो गया, टेन थीटा हो गया। अब मैं अलग से बताता हूँ इस चीज़ को, इस बात को मेरे हिसाब से आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि स्लोप क्या होता है। अब देखो अलग से थोड़ी चीज़, थोड़ी एक दो चीज़ हो रहे हैं वो देखो। अब मैं यहाँ से अगर इसको ओरिजिन पॉइंट से लाइन को ले रहा था, लेकिन ये गलत है, मैं आपको एग्जांपल देके दिखा रहा था, ठीक है ना। इस बात को थोड़ा सा देख लेना, ओरिजिन पॉइंट से नहीं जाएगी ये लाइन, ठीक है ना। देखो ये अपने कार्टेशियन सिस्टम है, जैसे मान लो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली, लाइन ड्रॉ की। अब देखो एक बात याद रखना, इस बात ये थीटा होगा जो स्लोप, ये टेन थीटा है, ये सॉरी लाइन अपनी एल, ये थीटा होगा वो हमेशा ऑलवेज एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, ऑलवेज एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा। वाई एक्सिस की बात नहीं करूँगा मैं, वाई एक्सिस के साथ एंगल नहीं बनाएगा, ओनली एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा। और किस रोटेशन में बनाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की जो अपनी विपरीत दिशा है उसमें बनाएगा। वही अपना क्या होता है, पॉजिटिव होता है मैथ्स में, ठीक है ना। इस चीज़ को अपन मैथ्स में इसमें इसमें क्या मानेंगे, पॉजिटिव जो रोटेशन होगा, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेशन होगा, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है ना। तो ये अपना थीटा हो जाएगा, ये पॉजिटिव एंगल होता है, क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है बेटा। अब मैं इस पर कोई पॉइंट मानता हूँ, ये जब भी मैं थोड़ी देर पहले माना था, इसको मैं इससे मिलाता हूँ तो ये एंगल अपने बनता है, तो ये क्या होता है अपना टेन थीटा। ये चीज़ है, मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया था, एक्स कितना बढ़ रहा है, वाई कितना बढ़ा है, ये वाई है ना, ये वाई कितना बढ़ा है, तो टेन थीटा लिया था ना। देखो यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा को मैं बोलता हूँ मैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। जो थीटा है वो इंक्लिनेशन एंगल है किसका, इस लाइन का। तो मैं इसको किससे लिखूंगा, ये भाई पी और बी की बात हो रही है, तो मैं किससे लिखूंगा, स्लोप क्या हो जाएगा इसका, स्लोप मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, स्लोप क्या था, ये थीटा है इंक्लिनेशन, स्लोप क्या हो जाएगा, पी और बी की बात हो रही है, पी और बी की बात हो रही है, टेन थीटा, टेन किसकी बात होगी, टेन की बात होगी, ठीक है ना। तो स्लोप को किससे लिखूंगा मैं, टेन से लिखूंगा, और या इसको मैं किससे लिखूंगा, दूसरी चीज़ एम से, किससे डिनोट करूंगा, एम से। तो स्लोप क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, एम, यानी जो एल इक्वल है अपना, एल है इक्वल हो जाएगा टेन थीटा, या इक्वल बोलेंगे अपन एम, स्लोप लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, टेन थीटा, या क्या बोलूंगा इसको मैं, लाइन है इसका स्लोप क्या हो जाएगा, टेन थीटा, या क्या, एम हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई बात, ठीक है ना। यहाँ पे जो थीटा होगा वो इंक्लिनेशन एंगल होगा, ठीक है ना, किसका, इस लाइन का। और एक बात और याद रखना इस बात को, ये एंगल हमेशा क्या पॉजिटिव चलेगा, इसे घड़ी की विपरीत दिशा में, पॉजिटिव ओनली फॉर किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। और एक बात और इंपॉर्टेंट, जो थीटा की वैल्यू है वो 90 डिग्री से हमेशा क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, 90 डिग्री से कम होनी चाहिए थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री से कम। वैसे अपन निकाल देते हैं, एग्जांपल लेके कोई भी आता है वैल्यू निकाल लेते हैं, तो अपन उसका तरीका दूसरा अपन बता देंगे आपको मैं। तो यहाँ तक की बात है वो आपको समझ में आई, आपको शायद समझ में आ गई होगी अच्छे से बात, इसको दोबारा से देख लेना, आपको शायद समझ में आ जाएगी चीज़। अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आप समझ रहे हो कि अगर आपको थीटा दे दिया तो आप स्लोप निकाल सकते हो। मैं एग्जांपल लेता हूँ, देखो मैंने एग्जांपल लिया एक, मान लो अगर मेरे को ऐसा बोल दिया कि थीटा इक्वल, एग्जांपल लिया मैंने, थीटा इक्वल अगर 45 डिग्री है तो इसका फाइंड करो स्लोप, स्लोप क्या करना है अपन को, फाइंड करना है, तो आप सीधे से निकाल सकते हो। आपको पता है एम इक्वल टेन थीटा होता है, या टेन थीटा आपको ऐसा मान लो लाइन है, लाइन की स्लोप क्या होता है, टेन थीटा, ठीक है, क्या होता है, टेन थीटा। और टेन थीटा की वैल्यू कितनी मेरे पास, 45 डिग्री, और ये कितना होता है, वन होता है, वन अपॉन वन कर दूंगा, क्या दिक्कत है, जब वन अपॉन वन लिखता हूँ ना तो स्लोप तो अपना कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे कैसे, आप समझो इस चीज़ को कैसे बोलेंगे। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको पी अपॉन बी, बी हो गया, पी हो गया, वन को मैंने इंक्रीज किया तो कितना इंक्रीज हो रहा है, वन ही इंक्रीज हो रहा है, स्लोप क्या हो गया, वन हो गया। मैंने वन इंक्रीज किया ऐसे, देखो इस लाइन पे मैंने अगर एक्स एक्स की वैल्यू वन इंक्रीज की तो वाई कितना इंक्रीज हो रहा है बेटा, वाई कितना इंक्रीज हो रहा है, वन ही इंक्रीज हो रहा है, कितना हो रहा है, वन इंक्रीज किया, वन ही इंक्रीज हो रहा है। तो ये बात समझने लायक है। जैसे मान लो मैंने ये यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 डिग्री कर दी, कितनी कर दी बेटा, 60 डिग्री कर दी, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन 60 डिग्री क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट थ्री। मैं इसको वन अपन रूट थ्री अपन वन लिख दूँ। कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने अगर थीटा को एक्स एक्सिस को वन इंक्रीज किया, एक्स कितना, वाई अपना कितना इंक्रीज हुआ है, रूट थ्री, कितना हुआ, रूट थ्री, और रूट थ्री की वैल्यू आपको पता है 1.73 जो भी है ना। तो आगे देखो, अपन को थीटा दे रखा है
स्लोप फाइंड कर सकते हैं। अब अगर ऐसा हो जाए आपके पास कि आपको आपको स्लोप फाइंड करना है, सॉरी आपको कोई कोऑर्डिनेट दे दे और आपको स्लोप फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है, क्या करना है, स्लोप फाइंड करना है, तब क्या करेंगे? देखो इस चीज़ को देखो थोड़ा सा, चलो इसको पूरा मैं रफ कर देता हूँ, देखो थोड़ा सा, स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन टू पॉइंट्स आर गिवन, ठीक है, या बिंदु दिए हों तो रेखा की रेखा प्रवणता ज्ञात करो, ऐसा कुछ है, ठीक है ना। अपने पास क्या हो गया, टू पॉइंट्स दिए हुए, तब अपन को स्लोप फाइंड करनी है। अपने पास क्या है, टू पॉइंट्स दिए हैं अपन को और अपन को क्या फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करनी है, समझो इस चीज़ को। टू पॉइंट्स दिए अपन को, जो लाइन है उस लाइन पे अपन को, जैसे मान लो, सॉरी थोड़ा सुंदर बना दूँ ना, ये अपना ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है पॉजिटिव, ये माइनस के एक्स एक्सिस, ये वाई पॉजिटिव है माइनस के वाई, ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया। क्या बोल रहे हैं कि स्लो फाइंड करनी है व्हेन टू पॉइंट्स आर गिवन, अपन को लाइन पर टू पॉइंट्स गिवन है, ये अपने पास लाइन है, ठीक है, ये एल, इसमें मान लो मेरे को टू पॉइंट्स दिए, एक तो पॉइंट मान लो ये दे दिया पी एक्स वन और वाई वन, वही चीज़ है, इस एक पॉइंट अपन को दे दिया क्यू एक्स टू वन वाई टू, आराम से देखो जो डिस्टेंस फॉर्मूला निकाला था ना वही चीज़ है। ये टू पॉइंट्स अपन को गिवन है पी और क्यू, यहाँ पे स्लोप का थीटा एंगल मैंने मान लिया थीटा वन, सॉरी थीटा ही हो गया ना, थीटा वन कैसे हो गया, थीटा मान लिया, इन दोनों इस लाइन का स्लोप मैंने मान लिया, क्या अपना इंक्लिनेशन एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया, इंक्लिनेशन एंगल क्या हो गया, छिटा हो गया, और इस लाइन पर टू पॉइंट्स देती है अपनी। तो कहने का मतलब मैं अगर इसको एक्स एक्सिस से मिलाता हूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस होगी वो एक्स वन होगी, वही चीज़ है। मैं इसको इससे मिलाता हूँ तो ये कितना हो गया, एक्स टू हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस टोटल पीछे तक। मैं अगर इसको इससे मिलाता हूँ, सॉरी, तो ये यहाँ तक कितना हो जाएगा, वाई वन हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बेटा, वाई टू हो जाएगा। कहने का मतलब मैं इसको इससे मिला देता हूँ यहाँ से, ठीक बेटा, तो ये कितना हो गया y1 और ये अपना कितना हो गया y2, यहाँ से लेके यहाँ तक ये y1, तो ये भी y1 और ये y2, तो ये y2, अपने पास ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया बेटा। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाए बेटा, थीटा हो गया ना, ये थीटा है और ये भी थीटा हो गया। आपने कोऑर्डिनेट पढ़ा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी अपने 10th क्लास में, आप सोच के देखो बताओ एक बार ये किस कैसे बात इक्वल है ना, नॉर्मल चीज़ है। तो ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, बना कि नहीं बना, और देखो ये यहाँ से लेके अपन को ये चाहिए बेसमेंट से, अपन को तो ये तो वही चीज़ है, अपन को ये और ये चाहिए, अपन को क्या चाहिए, P अपन B, भाई अपना तो ये है स्लोप क्या होता है, P अपन B, X कितना इंक्रीज हो रहा है, Y कितना इंक्रीज हुआ, ये तो बात कराऊंगा ना, इसकी तो बात होगी नहीं, अपन डिस्टेंस निकाले तो ये निकाल लेंगे, अपन को देखना है कि X कितना इंक्रीज हो रहा है, Y कितना इंक्रीज होगा, ये तो चीज़ देखनी है ना। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल X2 है, ये X1 है, तो ये क्या हो जाएगा, X2 माइनस के X1, ये Y2 माइनस के Y1, वही चीज़ है, कोई खास चीज़ नहीं। तो tan थीटा लूँगा मैं इसका, मैं क्या लूँगा, tan थीटा, tan थीटा या M, पहले लिख दो M, M इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, P अपन B, ये P हो गया, ये अपना B हो गया, P अपन B होता है, P की वैल्यू कितनी बेटा, Y2 माइनस के Y1, और B बेसमेंट कितना अपना, X2 माइनस के X1, तो स्लोप अपना कितना आ गया। देखो जब टू पॉइंट्स आर गिवन हो, अपन को टू पॉइंट्स गिवन हो, तब अपन को स्लोप क्या हो गया, टेन थीटा या एम इक्वल या टेन थीटा इक्वल वाई टू माइनस के वाई वन अपन एक्स टू माइनस के एक्स वन, ऐसा होगा, ठीक है बेटा। तो मुझे आप मैं लग रहा है मेरे को कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। देखो इसको क्या हो जाएगा, क्वेश्चन कैसे देगा कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट तो कुछ दे देगा और आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, एम फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है, ठीक है ना, ऐसे आप सीधा निकाल सकते हो। शायद आपको जितना आज पढ़ा है स्लोप ऑफ ए लाइन और जो बेसिक है ना 10th क्लास का, वो आपको शायद समझ में आएगा।
आया होगा, आप वीडियो से जुड़े रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, आपको सारी क्वेश्चन जो चीज़ें अच्छी अच्छी मिलेंगी, ऑथेंटिक चीज़ें मिलेंगी सारी, कोई गलत चीज़ नहीं मिलेगी। आप इनको अच्छे से पढ़िए, एकदम अच्छे से पढ़िए, चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, जो कोई गरीब बच्चे हैं बेचारे उनको शेयर कीजिए जो पढ़ नहीं पा रहे, ठीक है।